नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। आज फिर एक बार आपसे मुलाकात कर रहा हूं इस YouTube के ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। आज एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कोरल रीफ्स के ऊपर। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा। कोरल रीफ वास्तव में एक अकशेरुकी जंतु होते हैं जो समुद्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये पानी के अंदर बनी बड़ी संरचनाएं जो समुद्री अकशेरुकी जंतुओं के कंकाल से बनी होती हैं। वास्तव कुछ यूं होता है कि कोरल एक जंतु होता है जो समुद्र के अंतर्गत पाया जाता है। इसकी बैकबोन स्केलेटन इतनी ज्यादा सशक्त होती है, इतनी हार्ड होती है कि उसके संबंध में यह है कि वो लाखों साल तक, हजारों साल तक जीवित रहते हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके स्केलेटन गलती नहीं है, समुद्र के पानी के साथ वो घुल नहीं जाते। ऐसी स्थिति में वो एक जगह एकत्रित होते रहते हैं। एकत्रण की वजह से, एकत्रित होने की वजह से उनमें एक जमाव होते होते वो एक पठार का स्वरूप लेते चलता है। कई जगह वो पहाड़ का स्वरूप भी ले लेता है। समुद्र के बीचों बीच में ऐसे कई आकृतियां हमें देखने को मिल सकती हैं जहां आपको ऐसा लगेगा कि पानी के बीच में एक द्वीप है। कई जगह इसे हम द्वीप समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये द्वीप जो है पत्थर के न बने होकर इन आकृति इन रीफ के धीरे धीरे जुड़ने से हुआ। अब ये हजारों सालों में धीरे धीरे होने की प्रकृति या प्रक्रिया देखी जा सकती है। इसी के आधार पर विश्व में हजारों कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। ऐसा हुआ कहाँ, ऐसा होता कहाँ? जनरली जहां पानी का समुद्र का बहाव मंद हो जाए और या दो समुद्रों का बीच की स्थिति हो जहां पानी की गति हल्की पड़ जाती है। तो एक तरफ से रीफ आ रहा है धीरे धीरे लहर खाते खाते और दूसरी तरफ से भी रीफ, तो ये रीफ धीरे धीरे जमने लगते हैं। जमाव की इस प्रक्रिया के माध्यम से वो एक पठार का स्वरूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे वो समुद्र तल में उठने लगते हैं। अगर वो किनारे पे आ रहे हैं तो किनारे पे भी उनको देखा जा सकता है, समुद्र के बीचों में भी इनका निर्माण हो सकता है, पठार के रूप में हो सकता है और पर्वत के रूप में हो सकता है। आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे दो क्षेत्र हैं भूमि पर, ये आकृति आपको समझ में आ रही होगी। ये भारत की सदर्न हिस्से की बात होगी और यहाँ श्रीलंका, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब अरब सागर से लहर पानी का भाव इस तरफ है और इधर से इस तरफ से, परिणाम स्वरूप जो अकशेरुकी जंतु हैं वो यहाँ आकर जमाव बना लिए। इधर से देखा जाए तो यहाँ पर होते 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 यहाँ डिपोजिशन ज्यादा हो गया और डिपोजिशन होने की वजह से इस क्षेत्र पर हम पानी के अंदर उथलपन देखेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो इसी उथलपन के अनुसार आर्क स्ट्रेट का निर्माण हो गया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। राम सेतु वास्तव में कोरल रीफ से बनी एक निर्मित संरचना है जो कि धीरे धीरे हजारों सालों में हुई। अब इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र तल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने इसी राम सेतु का प्रयोग करते हुए लंका में प्रवेश किया। तो इससे एक गेस निकलता है, एक इंटरप्रिटेशन निकलता है, एसम्पशन होता है कि उस समय यहाँ पर कोरल रीफ की मात्रा या तो ज्यादा रही होगी या समुद्र तल नीचे रहा होगा। अब समुद्र तल का नीचा होना ज्यादा लाजमी महसूस होता है क्योंकि कोरल रीफ तो धीरे 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 उठा ही होगा, तो समुद्र तल जब बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि ये स्थिति पानी के अंदर चली गई। भूवैज्ञानिक अभी भी संरचना को समुद्र तल के नीचे देखते हैं, यानी जब हम गोताखोर यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे रीफ यानी बड़े बड़े पहाड़ टाइप के होंगे जो कि
पानी के अंदर है, कुछ स्थानों में उथले भी हैं, यानी कि आपको समुद्र के बीचों बीच चलने के हिसाब से मैदान भी दिखाई देगा। ये एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करता है और राम सेतु इसी का एक आधार। अब यहां पर बहुत सी दत्तक कहानियां हैं जिनके विषय में भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि राम सेतु का यहां से अगर हम गणना करें तो रामायण काल की भी स्थिति हमें पता चल सकता है, क्योंकि समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे किसी स्थिति से ऊंचा हुआ होगा और उसी ऊंचे होने के साथ साथ ये अकशेरुकी जंतुओं का जो पठार है नीचे हो गया होगा। कई और भी बातें हैं, प्रदूषण और तमाम चीजों के चलते ये अकशेरुकी जंतु खुलर भी गए होंगे, घट भी गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और फिलहाल ये एक अभी भी रिसर्च का मुद्दा है। कोरल रीफ का जो तात्पर्य है वो ये है, अकशेरुकी जंतु ऐसे अकशेरुकी जंतु जो समुद्र तल के अंतर्गत एक ऊंची पठार के रूप में या एक संरचना के रूप में पाई जाती है। कई जगह ये उठ करके समुद्र के ऊपर एक द्वीप का रूप धारण कर लेते हैं और कई एक द्वीप आज भी अकशेरुकी जंतुओं के ऊपर विद्यमान है जिस पर जीवन या लोग रहते हैं। इस प्रकार से विश्व में हजारों कोरल रीफ पाए जाते हैं। आशा ये छोटी सी जानकारी आज आपको ठीक लगी होगी। हम फिर आपके साथ इसी प्रकार से कुछ शॉर्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।